ट्राइसिल अमाइन SiH3 ट्राइस नाइट्रोजन इस। यहाँ पर हम बात करें, हमें वेग बॉन्डिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वेग बॉन्डिंग में क्या होता है, लेने और देने वाले के बीच में क्या होता है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ हम बात करें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास वैकेंट और ऑर्बिटल है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ट्राइसिलाइल अमाइन में। स्ट्रक्चर हम खोल के देखें तो कुछ तरह से होता है, SiH3 सॉरी SiH3 SiH3 SiH3। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जब सेंट्रल एटम का लोन पेयर वेग बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो फिर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अब वन टू थ्री तीन सिग्मा हो जाएंगे, लोन पेयर काउंट नहीं होगा। sp2 sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर लोन पेयर की अवेबिलिटी क्या हो गई है, हम यहाँ लोन पेयर देखें एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं अमोनिया का, किसका हम देखें अमोनिया का। अमोनिया में क्या था, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था। अब ये क्या हुआ है, अमोनिया में कोई भी बैक बॉन्डिंग पाई कोई कोऑर्डिनेट है क्या, पाई कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं हो रहा, बैक बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, तो लोन पेयर की अवेबिलिटी क्या है नाइट्रोजन के पास में, 100%। तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, बेसिक की नेचर, किस बेस होगा, क्या करेगा, ये अपना बेसिक नेचर शो करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर क्या है, अवेलेबल है। अभी यहाँ पर हम बात करें ट्राइसिलाइल अमाइन में, हम बात करें तो लोन पेयर कहाँ बिजी हो गया, बैक बॉन्डिंग में, तो लोन पेयर की अवेबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज हो गई है तो इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा, वेरी वीक, बेसिक नेचर। वेरी वीक बेसिक इन नेचर, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें पता ही है sp2, और शेप हम बता सकते हैं sp2 है और तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तो शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगा, और फर्स्ट क्या है हमारे पास, ट्राइगोनल पिरामिडल, गलत, पिरामिडल पिरामिडल, वैसे ही एक ही ऑप्शन है जहां पर ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास है और वीकली बेस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।